हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। व्यूअर्स, किसी को 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए इस तरह का, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8095615113। दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 8095615113। और इसका पूरा फुल 3D फ्रंट एलिवेशन के साथ कंस्ट्रक्शन रियल इमेजेस आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। और हमारा चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स, उस पर भी आप देख सकते हैं। एंड ये जो लिंक है ना, awesomehouseplans.com, उस पर भी आपको और सारे बेहतरीन से बेहतरीन PDF फाइल हो या फिर घर के कंस्ट्रक्शन के इमेजेस रिलेटेड पूरा हिंदी रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, लेट्स सी। तो व्यूअर्स देखिएगा, जस्ट रिसेंट मैं अपलोड किया हूँ, लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स एक चैनल है, प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब देखिए वीडियोस को। दुनिया का मतलब हमारे हिंदुस्तान का नंबर वन हाउस कंस्ट्रक्शन चैनल है, और इसका विद कंस्ट्रक्शन साइट का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड 1100 स्क्वायर फीट, 30-30 नॉर्थ फेस, सिंगल स्टोरी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है विद रियल कंस्ट्रक्शन, एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया सा आप देख सकते हो वहाँ पर। चलिए मैं अभी आपको दिखाऊँगा और जो फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, ये जो है फ्रंट एलिवेशन, पूरा फ्रंट एलिवेशन। अब हम देखते हैं रेगुलर जो हम प्लान अपलोड कर सके उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेट्स से। तो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इस प्लान के बारे में। ये जो है इसका साइज 26 फीट बाई 32 फीट 11 इंच में है, एंड कन्नड़ में लिखा हुआ है, तो फिर भी मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा। देखिए वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल awesomehouseplans.com। इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान्स है, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइंस है, बिफोर आफ्टर, या फिर किसी को 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए, तो मेरा सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर 8095615113। ओके, ये जो है ऐसा घर के अंदर एंट्रेंस दिए गए, यहाँ पर स्टेयर से एंटर होते हैं आप हॉल के अंदर। तो हॉल को एंटर होने से पहले क्या है, ऐसा कट्टा या फिर स्टेप्स दिया गया, एंड इस तरह से कि अड़ोगे मैंने बोल के दिया है 12 फीट 5 इंच बाई 10 फीट। ये हॉल के अंदर एंटर हुए, जिसका साइज 14 फीट 3 इंच बाई 15 फीट 7 इंच लिया गया। ये आपका हॉल है, हॉल के अंदर देखिएगा दो विंडो लिया गया, यहाँ पे एक विंडो और इधर एक विंडो। तो विंडो का साइज लगभग आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा स्पेशली फॉर हॉल। हॉल के अंदर जितना उजाला रहे उतना खूबसूरत दिखता है आपका हॉल। ओके, एंड स्पेशली ईस्ट और नॉर्थ की तरफ विंडोज़ रहने की वजह से ना काफ़ी पीसफुल और कूल एयर आता है, तो विंडोज़ का साइज़ ज़्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से आप एंटर होते हैं किचन में, तो किचन का साइज़ यहाँ पर आपको लगभग मिल रहा है 12 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच तक, जो कि कंफर्टेबल और नॉर्मल साइज़। फिर देखिएगा वहाँ से एंटर होते हैं आप डाइनिंग एरिया में, तो डाइनिंग एरिया को एंट्रेंस के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक है किचन के अंदर से और दूसरा जो ऑप्शन हॉल के अंदर से, वो डायरेक्ट एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया इस तरह से बनाया गया है, वो एक सेपरेट रूम के जैसे ही समझ लीजिए, कोई गेस्ट आ गए तो वहाँ पर आप डाइनिंग एरिया में बिठा सकते हैं अगर जगह एडजस्ट नहीं हो रहा तो। ठीक है, फिर डाइनिंग एरिया से देखिएगा ये आपका बाथरूम, यहाँ पर सिंगल बाथरूम लिया गया। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कोई गेस्ट आने की वजह से, तो आप वहाँ पे क्या है, चाहे तो स्टेयरकेस के नीचे और एक ले सकते हैं, एंड इसी को ही किधर ना किधर एक छोटा सा अटैच्ड भी ले सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो। ठीक है दोस्तों, अटैच्ड रहने से भी काफ़ी फ़ायदा है उससे, बिकॉज नाइट टाइम में हो या फिर कोई एल्डर्स रहते हैं हमारे, हमसे भी बड़े लोग रहते हैं, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड ये है आपका बेडरूम, बेडरूम का साइज़ आपको मिल रहा है 10 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच तक, एंड वहाँ पे दो विंडो लिया गया। तो ये है आपका चिल्ड्रन बेडरूम 10 फीट 5 इंच बाई 10 फीट, यहाँ पर भी दो विंडो लिया गया। अगर दो विंडो लेने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा पैसों का खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से क्या है, एक ही विंडो लीजिए, बड़ा लीजिएगा, सिंगल विंडो लीजिए, बट सभी का एक मेरिट और डीमेरिट ज़रूर होता है। तो दो विंडो लेने की वजह से क्या होता है, सिंगल विंडो लेने की वजह से क्या होता है, वो मैं आपको बताया हूँ क्लियरली। एंड
इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आप सभी को दिल से, लव यू वन।